इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? हिंदू महासभा की समझ क्या कहती है कि हलाल सर्टिफिकेशन को प्रतिबंधित किया जाए, उस पूरी प्रक्रिया पर कानूनी तौर पर रोक लगाई जाए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो ऐसे मामलों पर सचेत है, गंभीर है, और उसी को कड़ी में हिंदू महासभा ने मांग उठाई। शैलेंद्र कुमार जी जिन्होंने एफआईआर कराई वो भी अपने प्रसिद्ध भाई हैं, तो जरूरत इसलिए पड़ी कि एक ट्रस्ट बना करके धन वसूली का एक पैनल मामला पूरा चल रहा था। एक वर्ग जो है सरिया के देश को चलाना चाहता है, उसी कड़ी को लेकर ये पूरा मामला है। ये जो सर्टिफिकेट के नाम पे जो वसूली हो रही थी, इसको इससे पाया हुआ जो धन है उसको ये सिमी पे या कन्हैया कुमार की जो हत्यारे हैं, कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता के हत्यारों को छुड़ाने के लिए, आतंक को फैलाने के लिए, अवैध मजार, अवैध मस्जिदें, नव जिहाद, जमीन जिहाद जैसे मामलों के लिए ये खर्चा करते होंगे। तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच के लिए हमने आवाज उठाई थी, उस पर सरकार कार्य कर रही है। दूसरी तरफ जो हिंदू संस्थाएं हैं, फर्में हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो मजबूर है। दुनिया की बड़ी आबादी मुसलमानों की, तो मुस्लिम देशों में जब व्यापार करने जब हिंदू व्यापारी जाएगा तो ये सर्टिफिकेट लेना उसकी मजबूरी कर दी गई। और मजबूरी में हुआ क्या कि वो सर्टिफिकेट लेगा तो जिससे धन आएगा, हिंदुओं का लूटा हुआ धन, ये मुस्लिम समाज के विकास पर काम करेंगे, ये सब हाल है। तो अब इन समझना ये होगा कि हलाल और हराम है क्या। हलाल के नाम पे हराम की लूट बची हुई है। जितनी सरकारी योजनाएं हैं, फ्री का अन्न, फ्री की दवा, फ्री का इलाज, फ्री के मकान जो प्रधानमंत्री योजना मिल रहे हैं, ये सब इनसे पूछिए, ये सब ये ले रहे बैंक का ब्याज, ये हलाल है या हराम है, इसको इनसे समझना होगा। अगर हलाल और हराम से नहीं इनको चिपका है तो ये फ्री की योजनाएं लेना बंद कर दे। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी रुकिए, अभी रुकिए, चतुर्वेदी जी अभी रुकिए, दोबारा में आएंगे, एक बार सब मेहमानों को ले आए। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता, उनका बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब, मैं सोच रहा था कि एक लेटर हेड छपाना है, एक प्रिंटर और कंप्यूटर लेना है क्या, और एक घर के बाहर बोर्ड लगा देना है कि सर्टिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध है क्या। सरकार से जब कोई लेने देना नहीं किसी नियम कायदे से, तो हम ही लोकसभा और हम ही विधानसभा, चाहे जो प्रस्ताव पारित कर दे अपने मन में, एक और दूसरा, एक सुन लो, दूसरा मेरे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर छोड़िए विश्व का व्यापार, अभी छोड़ दें, अभी ये हिंदुस्तान की बात करें, अगर यहां 10 बड़े धर्म हैं और वो भी इस्लाम में तो हलाल सर्टिफिकेट हो गया, वो जो 9 बचे वो भी ये कह दे कि हम भी मोहर लगाएंगे, तो एक साबुन की टिकिया पर कितने लोग मोहर ठोंकोगे? जैनी भी ठोकेंगे, पारसी भी ठोकेंगे, हिंदू भी ठोकेंगे, नवबौद्ध भी ठोकेंगे, है ना, तब तो गजबे हो जाएगा, नहीं तब तो तमाशा नहीं बन जाएगा? अगर सब इस बात पर आमादा हो जाएं कि नहीं, हमें अपने धर्म के लोगों को यह बताना है कि हमारी मोहर देखो तो मानो कि ये हमारे धर्म के हिसाब से ठीक है, इस साबुन से नहा सकते हैं, तो तमाशा नहीं हो जाएगा मुल्क में? तो तीन चीजें यहाँ पर जी अमिताभ देखिए ध्यान दे रहे हैं। एक तो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सर्टिफिकेट ले भी तो कोई रहा है उनका, उनकी बात जीरो हो रही है। कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उनको भी लाना चाहिए कि वो लोगों ने सर्टिफिकेट लिया तो क्यों लिया भाई, यहाँ पर लेना शुरू किया ना। ये तो दो भाग में इसको बांटिए अमिताभ जी, अगर मामले को समझिए, एक अंतरराष्ट्रीय मामला, एक डोमेस्टिक मामला। डोमेस्टिक मामले में एक गलती हो रही है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज ने इन संस्थाओं को, ये जो 5-6 संस्थाएं हैं जिसमें जमीयत उलमा हिंद हलाल करके है, चेन्नई की है, इनको ऑथराइज करती है कि ये एक्रेडिटेशन दे सके। ये जो NABCB है, NABCB, इसने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए इनको ऑथराइज कर रखा है। जब और इनका काम क्या है कि सर्टिफिकेशन कोई भी हो, जैसे कंप्यूटर का हमको सर्टिफिकेशन देना है कि हम सेमीकंडक्टर अच्छा बनाते हैं, तो कोई कंपनी कहेगी कि हम टेस्ट करके इसको जारी करना चाहते हैं, तो NABCB उनको
ये सर्टिफिकेशन देगी कि तुम दे सकते हो सर्टिफिकेट, उनको अधिकार देगी। ऐसे ही इन कंपनियों को अधिकार दिया तो एनएससीबी ने इनको अधिकार क्यों दिया? इनको कहते कि खाली इंटरनेशनल के लिए अधिकार है, डोमेस्टिक के लिए नहीं कर सकते, मामला यही खत्म हो जाता। लेकिन एनएसी और इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंडर में गवर्न किया जाता है, ये बोर्ड है, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जैसे पॉल्यूशन बोर्ड है। तो जब बोर्ड कह रहा है इन पांच छह संस्थाओं से कि भैया आप, अच्छा इनसे कह क्यों रहा है? एक महीना पहले खबर छपी हिंदुस्तान टाइम्स के अंग्रेजी संस्करण में कि जिन लोगों ने इस संस्था से एनएबीसीबी से रजिस्टर नहीं कराया है हलाल मामले पे, वो तुरंत करा लें, क्योंकि जब आप इंपोर्ट बाहर सामान भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, कंट्रियां आपको लेने से मना कर देंगी। और उन्होंने भी कहा कि हम ये जो पांच छह लोग हैं इनकी मान्यता को मानेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इन सारे मामलों को लाकर, आप यूसीसी लेके आए नहीं चला, सीएनआरसी लेके आए नहीं चला, अब ये लेके आए, ये कोई मामला नहीं, ये हिंदुस्तान के ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है भाई, वो बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा, हम कितना ट्रेड करते हैं कहिए तो निकाल के बता दो हम गल्फ कंट्री। ठीक है तारिक खान जी, ठीक। I really like it, yeah. Stabilizer का खर्चा? Top end LED TV है। Stabilizer की जरूरत ही नहीं है। अच्छा? फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाईजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबिलाईजर के साथ। V-Guard, India's number one stabilizer. Car garage network, great. Claim cover, great. Price, wait. Wow. Price be great. Tata AIG Car Insurance. Trusted naam. Fantastic naam. ठीक तारिक खान साहब, ओसामा नदवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIM के नेता ओसामा नदवी का भी बहुत स्वागत है। हरीश श्रीवास्तव जी, जी मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई साबुन हो, सर्फ हो, पानी हो, सौंफ हो, इलायची हो, दवा हो, दुनिया जहान की हर चीज पर मोहर मारना क्या जरूरी है भाई? और फिर कहा ये जा रहा है कि अब इस पर रोक लगा दी तो बोले अब ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और मोहर ही केवल मुस्लिम आधार पर मारी जा रही है। नहीं, मोहर कोई गंगा जमुना के लिए तो मारी नहीं जा रही थी। नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग कानून को नहीं मानते, अब उनको ये प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी से दे रहे थे? लोगों को तो सवाल ये करना चाहिए उनसे, ये जो पांचों लोग ये प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे, कल को कहें साहब आइए हम रिवॉल्वर का भी लाइसेंस देते हैं, बंदूक का भी लाइसेंस देते हैं, तो भी डीएम और एसपी पास जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? और आप ये बताइए, ये तो गजब ही है कि हलाल का सर्टिफिकेट देंगे तब वो निर्यात होगा। अरे गेहूं चावल दाल पे किसी पे हलाल लिखा होता है क्या? ये जो इस तरह का जो एक रैकेट कह सकते हैं या जो लोग भी इसको चला रहे हैं, ये तो घोर आपत्तिजनक है। और इसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, इसके खिलाफ सरकारी संस्थाएं भी याचिका में गई हैं और FIR भी दर्ज हुई, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। आखिर ये कौन सा ये पैरेलल समानांतर व्यवस्था खड़ी करने का जो लोग भी प्रयास किए, ये किस इसके ये पूरा राज तो खुलना चाहिए, जांच हो रही, राज भी खुलेगा पूरा का पूरा। लेकिन जो लोग इसके डिफेंस में हैं, मुझे लगता है कि वो या तो कानून संविधान को मानते नहीं, किसी राज्य व्यवस्था से इतर अपने को समझते हैं, सबसे ऊपर अपने समझते हैं कि वो एक पैरेलल सबसे सर्वोच्च है और कोई व्यवस्था चला दें वो, और जब उस पर सरकार कार्रवाई करेगी तो धर्म का चश्मा लगा लेंगे, तब उसको इस्लाम क्या क्या तरह तरह की व्याख्याओं बांधने लगेंगे। तो ये मुश्किल है हमारी कि हम हर बात को वोट के नजरिए से देखते हैं, हमारे विपक्षी दल के मित्र वोट के नजरिए से देखने लगते हैं, और नियम कानून सम्मत क्या है और क्या नहीं है नजरिए से देखा जाना चाहिए, इस नजरिए से देखा जाना जी। मुफ्ती ओसामा नदवी साहब, कुछ वर्ष पहले इसी हिंदुस्तान में हैं हरा नीला पीला कोई ठप्पा नहीं लगता था, फिर भी सब सामान बिक रहा था और सब खा रहे थे, ठीक जी। मोहर थी नहीं क्या?
जी मोहरबाजी का है ये तो बवाल अभी शुरू हुआ कुछ वर्षों से। ठीक, एक ही दुकान से घी सब लेते थे नहीं, अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान जो जिसका क्या, ये ड्रामा क्यों शुरू हुआ? एक अच्छा मैं मान भी लूं एक एक क्षण के लिए कि ये ड्रामा भाई साहब इसलिए जरूरी था कि विदेश के कई मुल्कों ने, खाड़ी के मुल्कों ने, शेखों ने ये मजबूरी कर दी कि मोहर नहीं मारोगे तो तुम्हारा ये चना राजमा हम नहीं लेंगे, मान लो क्या। तो दो तरह का ट्रेड है कानून में सीधे तौर पर, एक बाहर भेजे जाने वाला, एक देश के उपयोग में आने वाला, ये तो रेखा सीधी विभाजन की है। ठीक, देश के अंदर ये बवाल क्यों शुरू किया गया? थोड़े दिनों में दिया सलाई पर भी मोहर मार दोगे, कहोगे मुसलमान इस दिया सलाई को जलाएगा और नीले रंग वाली हिंदू जलाएगा। अब उसी के उत्तर में जिस दिन हिंदू ने मोहर मारनी शुरू की उस दिन क्या होगा? फिर दिया सलाई में तीली नहीं बचेंगी, मोहर ही मोहर दिखेंगी। नदवी साहब नहीं सही कह रहे हैं आप। मैं सर इसमें मेरा जो कहना है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जो बनाया गया था उसमें क्राइटेरिया और एक मानक तय कर दिया गया है कि क्वालिटी और फूड सेफ्टी और जिन जिन चीज़ों पर सरकार ने अपने मानक तैयार कर दिए गए हैं वो होने चाहिए। खाली हलाल सर्टिफिकेशन की जो ये दुकानें चल रही थी और जो अब भी चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे इस्लाम का या मुसलमानों का कोई ताल्लुक है। क्यों? क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन मुसलमानों को सिर्फ जबीहे पर यानी चिकन या मीट के हलाल होने पर सिर्फ सर्टिफिकेट देखा जाता था, इसके अलावा साबुन, नमकीन, बिस्किट, आला, फला, इन चीजों के हलाल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अपने आप को एक दायरे में लाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो गलत था और जो गलत है। I really like it, yeah. स्टेबिलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबिलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, India's number one स्टेबलाइजर। का गराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस। वेट वेट वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। नदवी साहब एक बहुत अच्छी बात आपने की, मेरी बात और नहीं समझ में आती कि भाई एक विशेष पशु का गोश्त और शराब, मेरी सामान्य जानकारी में कि ये मोटे तौर पर हराम मानी गई आप इस्लाम में। ठीक जी जी, अब बताओ भाई साहब वो शाम की दवाई तो ऐसी ही हो गई है कि उससे तो सभी की मोहब्बत है नहीं, बिना सर्टिफिकेट के लोग पी रहे हैं, तब वहां बवाल नहीं हो रहा? नहीं 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 सर, अगर आप पानी का नाम, आप पानी का नाम विशेष दवाई रख देंगे तो पानी हराम नहीं हो जाएगा, या उसका नाम आप कुछ और बदल देंगे तो वो हलाल नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा सर, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सुनिए हमारी बात सर, हलाल सर्टिफिकेशन मुसलमानों को सिर्फ जबीहे के ताल्लुक से है। क्या उसको जो इस्लाम, देखिए सर ये हर आदमी की अपनी अपनी आस्था और साइंटिफिकली जो कुछ उसके फायदे हैं उसको नाही और नजरिए से देखा जाता था। जैसे KFC वगैरह में हम लोग जाते हैं या कहीं और जाते थे तो हम सिर्फ पूछते हैं भाई हलाल है या नहीं है, अब हमें बिस्किट खाने के लिए कौन से हलाल की जरूरत है। ठीक भाई, भाई मैं कह रहा बिल्कुल ठीक बात है। एक बड़ी बड़ी बात ही खड़ी होती है कि देश के भीतर ना इस्लाम आज आया ना खाने की चीजें आज पैदा हुई, जी कोई नई स्थिति तो निर्माण नहीं हुई। 1500 साल से इस देश में जो पैदा हो रहा है वो आज पैदा हो रहा है। ठीक सर, और मुसलमान भी खा रहा और हिंदू भी खा रहा, तब अगर इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, जब ये आचार कंपनी आ गई धंधे में तभी इस्लाम को सर्टिफिकेट मिलना जरूरी। ठीक है, अभी रुकना होगा, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे अभी। बिल्कुल बात
बात का हिमायत करता हूँ, मैं आपकी बात का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है बिस्किट नमकीन नमक आटा चावल इसके लिए कौन से हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है यार। हलाल और हराम का जो क्राइटेरिया तो मानक इस्लाम ने बता दिए हैं, एज ए इस्लामिक स्कॉलर मैं बता रहा हूँ, खाली खत्म है, कोई जरूरत नहीं है।